हाय फ्रेंड्स, टेक चौदह में आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं सुभाजीत और आज बात करेंगे बेस्ट 10 मोबाइल फोन के बारे में, जो दोस्तों इसका रेंज है 15,000 रुपए के अंदर। मोबाइल फोन रोज हम लोग यूज करते हैं, लेकिन मोबाइल फोन दोस्तों 15,000 रुपए के अंदर बेस्ट मोबाइल फोन इस प्राइस के अंदर मैं इस वीडियो में दोस्तों बताने वाला हूँ। तो कौन सा 10 मोबाइल फोन है दोस्तों, बेस्ट फोन है और बेस्ट ओवरव्यू क्या होगा वो भी दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ, लेट्स स्टार्ट। मैं दोस्तों जो मोबाइल फोन दोस्तों बताने वाला हूँ वो 2021 का लेटेस्ट मोबाइल फोन से 15,000 रुपए के अंदर 2021 में जो दोस्तों बेस्ट फोन है सभी दोस्तों मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो फास्ट जो मोबाइल है दोस्तों वो है दोस्तों Redmi Note 10। Redmi Note 10 के अंदर आपको 6.43 इंचेस का डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 678 प्रोसेसर आपको मिलेगा, 13 मेगापिक्सल का दोस्तों फ्रंट कैमरा मिलेगा और 48 मेगापिक्सल का दोस्तों रियर कैमरा आपको मिलेगा, 4GB का रैम मिलेगा, 64GB का दोस्तों स्टोरेज मिलेगा और बैटरी लाइफ मिलेगा दोस्तों 5000mAh का बैटरी लाइफ मिलेगा और एंड्रॉयड 11 OS के साथ दोस्तों आपको ये फोन आपको मिलेगा। इसका रेजोल्यूशन भी दोस्तों बहुत ही अच्छा है दोस्तों, 1080x2400 पिक्सल का रेजोल्यूशन है। ये फोन का दोस्तों प्राइस होगा 12,000 रुपए। और सेकंड जो फोन दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो दोस्तों मोटोरोला मोटो एम G30 फोन दोस्तों मोटोरोला का है और इस फोन के अंदर 6.50 इंचेस का दोस्तों डिस्प्ले मिलेगा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 662 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर आपको मिलेगा, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा और 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा आपको मिलेगा। तीन अलग अलग कैमरा है दोस्तों, 8 मेगापिक्सल है, 2 मेगापिक्सल है और 2 मेगापिक्सल का भी दोस्तों टेलीफोटो लेंस आपको मिलेगा और रैम मिलेगा 4GB का और स्टोरेज मिलेगा 64GB का और एंड्रॉइड 11 के साथ मिलेगा, बैटरी लाइफ 5000mAh का बैटरी आपको मिलेगा। रेजोल्यूशन भी दोस्तों इसका काफी अच्छा है, 720x1600 पिक्सल के साथ ये रेजोल्यूशन आपको देता है। इसका प्राइस है दोस्तों 11,000 रुपए इसका प्राइस होगा। और थर्ड जो फोन दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो है दोस्तों Realme Narzo 20 Pro। इसके अंदर दोस्तों 6.50 इंचेस का दोस्तों डिस्प्ले आपको मिलेगा, प्रोसेसर MediaTek का Helio G95 प्रोसेसर आपको मिलेगा, फ्रंट कैमरा दोस्तों आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा और रियर कैमरा 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा, 6GB का रैम मिलेगा और 64GB का स्टोरेज मिलेगा, बैटरी लाइफ दोस्तों इसका 4500mAh का मिलेगा और एंड्रॉइड 10 के साथ OS के साथ आपको ये मिलेगा और रेजोल्यूशन भी काफी अच्छा है, 1080x2400 पिक्सल का दोस्तों ये रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसका प्राइस है 15,000 रुपए, 14,999 यानी कि 15,000 रुपए के अंदर ये फोन आपको मिल जाएगा। और इसके बाद दोस्तों फोर्थ फोन जो तो आपको मैं बताने वाला हूँ वो है दोस्तों Realme 7। Realme 7 फोन के अंदर 6.50 इंचेस का डिस्प्ले आपको मिलेगा, MediaTek Helio G95 Helio प्रोसेसर आपको मिलेगा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा और 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का भी रियर कैमरा, इसमें 4 कैमरा आपको मिलेगा, रैम दोस्तों आपको मिलेगा 8GB का और स्टोरेज मिलेगा 128GB का, OS एंड्रॉयड 10 और बैटरी कैपेसिटी आपको मिलेगा 5000mAh का बैटरी कैपेसिटी वो मिल जाएगा। रेजोल्यूशन भी काफ़ी अच्छा है, 1080x2400 पिक्सल का रेजोल्यूशन आपको मिलेगा और इसका प्राइस है दोस्तों 15,000 रुपये इसका भी प्राइस है। और इसके बाद जो मैं आपको फ़ोन बताने वाला हूँ वो जैसे Nokia 5.4 फोन भी दोस्तों बहुत अच्छा है। इसमें डिस्प्ले दोस्तों है 6.39 इंचेस का डिस्प्ले आपको मिलेगा, प्रोसेसर में दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 662 प्रोसेसर आपको मिलेगा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा भी दोस्तों 48 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का 4 कैमरा आपको मिलेगा और रैम दोस्तों इसका है 4GB का और स्टोरेज भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है 64GB का और बैटरी लाइफ दोस्तों इसका 4000mAh का बैटरी लाइफ है। OS भी एंड्रॉयड 10 के साथ दोस्तों ये OS आपको मिल जाएगा। प्राइस है दोस्तों 13,999 रुपये यानी कि 14,000 रुपये का अंदर नोकिया का ये फ़ोन दोस्तों आपको मिल जाएगा। और सभी फ़ोन का दोस्तों रेटिंग में यहाँ पे दे दिया हूँ, मेरा हिसाब से ये रेटिंग कैसा है, जिसका कैमरा वाइज, जिसका बैटरी वाइज, जिसका प्रोसेसर वाइज, जिसका सब कुछ वाइज ओवरऑल जो रिव्यू है वो भी सभी फ़ोन के साथ मैं दे दिया हूँ, वो एक बार वॉच कर लेना। और सभी लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, आप अगर चाहे तो दोस्तों वहाँ से खरीद सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो फ़ोन माइक्रोमैक्स का IN Note 1, ये फ़ोन भी बहुत ही अच्छा है और इस फ़ोन के अंदर आप 6.67 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, MediaTek Helio का G85 प्रोसेसर आपको मिलेगा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा और रियर कैमरा दोस्तों 4 कैमरा आपको मिलेगा, 48 मेगापिक्सल का
5 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का दोस्तों रियर कैमरा आपको मिलेगा। रैम मिलेगा 4GB का और स्टोरेज मिलेगा 64GB का। और बैटरी कैपेसिटी भी बहुत ही अच्छा है, 5000 mAh का बैटरी कैपेसिटी आपको मिल जाएगा। और OS दोस्तों आपको मिलेगा Android 10 OS आपको मिलेगा। और रेजोल्यूशन भी काफ़ी अच्छा है, 1080x2400 pixel का रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसका प्राइस उतना ज़्यादा नहीं है, इसका प्राइस है 11,000 रुपये यानी कि 10,999 रुपये में दोस्तों ये फ़ोन आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो फ़ोन मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ वो है दोस्तों इन्फिनिक्स का, इन्फिनिक्स 08i का फ़ोन, बहुत ही अच्छा है। और इस फ़ोन दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा। और इस फ़ोन के अंदर 6.85 इंच का डिस्प्ले आपको मिलेगा, प्रोसेसर आपको मीडिया टेक का हेलियो G90T प्रोसेसर आपको मिलेगा। और फ्रंट कैमरा, 2 आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा 16 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का। और रियर कैमरा आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का। और AI लेंस भी दोस्तों आपको मिलेगा, जो आर्टिफिशियल लेंस होता है वो भी दोस्तों आपको इसके अंदर मिल जाएगा। इसका रैम है दोस्तों 8GB का रैम है और स्टोरेज है तो 128GB का स्टोरेज आपको मिल जाएगा। बैटरी कैपेसिटी 4500 mAh का बैटरी आपको मिल जाएगा। और OS दोस्तों आपको मिलेगा Android 10 OS आपको मिलेगा। रेजोल्यूशन 1080x2460 pixel का आपको रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इस फ़ोन का प्राइस 15,000 रुपये इस फ़ोन का प्राइस है, 14,990 रुपये का अंदर ये फ़ोन का प्राइस आपको मिल जाएगा। और इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों Poco M3 का फ़ोन भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है। इस फ़ोन भी आप चाहे तो कुछ खरीद सकते हैं। इस फ़ोन के अंदर 6.53 इंच का डिस्प्ले आपको मिलेगा, प्रोसेसर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का 662 प्रोसेसर आपको मिलेगा। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिलेगा, रियर कैमरा 48 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल 3 कैमरा आपको इस फ़ोन के अंदर मिलेगा। और रैम मिलेगा 6GB का और स्टोरेज मिलेगा 64GB का। और बैटरी लाइफ है दोस्तों 6000 mAh का बैटरी लाइफ है। बैटरी वाइज आपका, आप अगर लेना चाहते हैं कोई फ़ोन, ये फ़ोन दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। 6000 mAh का बैटरी आपको इसमें मिल जाएगा। OS होगा दोस्तों Android 10 OS आपको मिलेगा। और रेजोल्यूशन आपको मिलेगा 1080x2340 pixel का दोस्तों रेजोल्यूशन आपको इस फ़ोन के अंदर मिल जाएगा। प्राइस दोस्तों उतना ज़्यादा नहीं है, ये भी दोस्तों 11,000 रुपये के अंदर आपको ये फ़ोन आपको मिल जाएगा। और इसके बाद Redmi 9 Power फ़ोन भी दोस्तों बहुत ही अच्छा है। 6.53 इंच का डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, प्रोसेसर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 662 प्रोसेसर आपको मिलेगा। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का और रियर कैमरा 48 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा मिलेगा। और रैम 4GB का मिलेगा, स्टोरेज आपको 64GB का आपको मिल जाएगा। बैटरी कैपेसिटी भी दोस्तों इस फ़ोन का बहुत ही अच्छा है, 6000 mAh का बैटरी कैपेसिटी आपको इस फ़ोन के अंदर मिलेगा। एंड्रॉयड 10 OS के साथ आपको ये फ़ोन मिलेगा। रेजोल्यूशन दोस्तों 1080x2340 pixel का ये भी दोस्तों रेजोल्यूशन आपको दे देगा। इस फ़ोन का दोस्तों प्राइस उतना ज़्यादा नहीं है, इस फ़ोन का प्राइस भी दोस्तों 11,000 रुपये है। ये फ़ोन भी बहुत ही अच्छा है, आप चाहे तो दोस्तों ये फ़ोन भी दोस्तों ले सकते हैं। जो दोस्तों गेम खेलना चाहते हैं, जो दोस्तों बैटरी के लिए दोस्तों शौकीन है, ये फ़ोन दोस्तों बहुत ही अच्छा है। और लास्ट में जो फ़ोन आपको बताने वाला हूँ दोस्तों Redmi Note 9 Pro, ये फ़ोन भी दोस्तों बहुत ही अच्छा है। और इस फ़ोन को भी मैं इसके अंदर रखा हूँ। और इस फ़ोन के अंदर क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको 6.67 इंच का डिस्प्ले आपको मिल जाएगा और प्रोसेसर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 720G प्रोसेसर आपको मिलेगा। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा। रियर कैमरा दोस्तों 4 कैमरा आपको मिलेगा, 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का, 5 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का। और रैम दोस्तों आपको 4GB का रैम मिलेगा, 64GB का स्टोरेज आपको मिलेगा। और इसका वेरिएंट भी है 6GB 128GB के साथ भी आप ले सकते हैं। बैटरी कैपेसिटी भी दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा है, 5020 mAh का दोस्तों बैटरी आपको मिल जाएगा। ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छा बैटरी है। एंड्रॉयड 10 OS के साथ दोस्तों आपको ये मिल जाएगा, 1080x2400 pixel का दोस्तों इसमें रेजोल्यूशन को देखने को मिलेगा। प्राइस दोस्तों उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है। इसका प्राइस दोस्तों 13,000 रुपये इसका प्राइस है, लेकिन इस प्राइस के अंदर आपको इतना सब कुछ मिल जाएगा। तो जो लोग दोस्तों फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं, सब फ़ोन के साथ में मेरा ओवरव्यू दिया हूँ, मेरा रेटिंग दिया हूँ, जो फ़ोन को मैं 10 में दोस्तों कितना देता हूँ, 8, 9, 10 कितना मैं देता हूँ, सब कुछ दोस्तों इस फ़ोन के साथ में दे दिया हूँ। आप अगर चाहे तो दोस्तों कुछ भी फ़ोन आपको पसंद हुआ है आप खरीद सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप दोस्तों ज़रूर कमेंट में दोस्तों बताइएगा। आप अगर कुछ फ़ोन को रिकमेंड करते हैं तो वो भी दोस्तों कमेंट में लिखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलते दोस्तों, बाय।